इस वीडियो के अंदर मैं आपको पांच तरीके बताने जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के बारे में, और जो तरीके हैं ना वो सभी कीबोर्ड पर आधारित है, यानी केवल कीबोर्ड के बटन से आप पांच तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम माउस के स्क्रीनशॉट जोड़े जो सॉफ्टवेयर द्वारा लेते हैं तो आपकी संख्या 10 से 12 जा सकती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पाँच तरीके आपके जो कीबोर्ड है इसके द्वारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर वन पे जो तरीका दोस्तों वो सबसे ख़तरनाक तरीका और मेरा सबसे फेवरेट है। फॉर एग्जांपल आपका जैसे ये नोटपैड ओपन है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैं केवल इस नोटपैड का स्क्रीनशॉट लूं और बाकी का मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, यानी कुछ लिख रखा और आप चाहते हैं मैं इसी का स्क्रीनशॉट लूं, तो कैसे लूं? तो एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर FN बटन है तो इसको प्रेस करना पड़ेगा, अगर ये बटन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको दबाना है अल्टर विंडोज़ FN बटन और प्रिंट स्क्रीन बटन। ये दबाते ही एक पॉपअप शो हुआ कि आपका स्क्रीनशॉट सेव हो गया है। चलिए हम देखते हैं, तो आप देख रहे हैं ये जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा रहा है, ये दिखे केवल आपके नोटपैड का स्क्रीनशॉट लिया, यानी केवल अगर आप एक्टिव विंडोज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस प्रकार ले सकते हैं। अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अल्टर और प्रिंट स्क्रीन बटन दबाकर फिर MS पेंट ओपन करके वहाँ पर कंट्रोल भी करना होगा, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं नंबर टू वाला तरीका दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा तरीका है। आप चाहते हैं कि यानी आपके कुछ और ओपन है या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा है, आप चाहते हैं उसमें कुछ कट करके स्क्रीनशॉट लिया जाए, तो आपको दबाना है विंडोज़ शिफ्ट और S बटन। इससे आप दबा देंगे आपके कंप्यूटर के अंदर ऑप्शन आ जाएगा, आप क्या कौन सा कट करना है, कितना भाग काटना है, गोल मोटोल काटना है, पूरा लेना है, जिसे आप ये करेंगे तो इसके अंदर आप इसे सिलेक्ट करके काट सकते हैं। और इसके अलावा और भी ऑप्शन आते हैं, अगर फिर से आप ये करेंगे तो दूसरा ऑप्शन भी आ जाता है एक्टिव विंडो वाला, ये वाला, तो साइड में ऐसा आपका शो हो जाएगा, फिर आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं जहाँ भी आप चाहें। तो ये हुआ नंबर 2। अब बात करने जा रहे हैं नंबर 3। नंबर 3 पर दोस्तों, अगर आप कोई आपके वेब पेज या पूरे डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक ही क्लिक पे, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है विंडोज़ और जो प्रिंट स्क्रीन बटन ये दबा सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर FN की है तो FN की भी दबाना पड़ेगा, फिर दबा दीजिए, ये पूरे स्क्रीनशॉट लेना आ गया। आमतौर पर ये स्क्रीनशॉट जो दोस्तों आप ये देख रहे हैं पिक्चर इसके अंदर आता है, लेकिन अगर आपने वो फोल्डर दूसरी जगह रखा हुआ है तो दूसरी जगह भी चला जाता है। तो ये हुआ नंबर 3। अब बात करने जा रहे हैं नंबर 4। देखिए जो नंबर 4 बताने जा रही है आपके विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 सब में काम करेगा। कुछ नहीं करना, जो ये बटन देख रहे हैं प्रिंट स्क्रीन बटन इसको दबाना है, तो मेरे FN की वाला ऑप्शन है, FN की प्रिंट स्क्रीन दबा दीजिए, और उसके बाद में जो MS पेंट है वो आपको ओपन करना होगा, क्योंकि इसके अंदर आप डायरेक्ट सेव नहीं कर सकते। MS पेंट ओपन किया और जो देख रहे हैं Ctrl V दबाना है, जैसे आप V दबा देंगे आप पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हुआ नंबर 4। अब बात करने जा रहे हैं नंबर 5। नंबर 5 तो थोड़ा सा आप बोलेंगे भाई ये तो पहले बता दिया है, लेकिन ये विंडोज 7 के लिए भी है, 10 के लिए भी है और विस्टा के लिए भी है। कंट्रोल देख रहे हैं आप, कंट्रोल बटन और प्रिंट स्क्रीन बटन, ठीक है। तो मेरी FN है तो मैं Ctrl FN स्क्रीन बटन, आप जैसे इसको दबा देंगे और उसके बाद में जो पेंट है आप पेंट के अंदर इसको यहाँ पर Ctrl V करेंगे तो अच्छेगा। तो अभी आप सोचेंगे भाई जब प्रिंट स्क्रीन बटन और इनका क्या मीनिंग है, तो देखिए जो दोस्तों Ctrl+ प्रिंट स्क्रीन बटन है इसका उपयोग सभी विंडोज़ के अंदर होता है, सभी विंडोज़ के अंदर ये काम करता है, जो ये नंबर 5 वाला तरीका है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।